हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाकरम जी के दोस्तों चैनल पर आपका फिर से वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पैशन प्रो और सुपर स्प्लेंडर, हमारे पास दो मॉडल रखा गया है और दोनों की एक भाई की बहुत ही खास डिमांड आज 3 दिन से आ रही है कि भाई सुपर स्प्लेंडर और पैशन प्रो इन दोनों की कंपेरिजन वीडियो बना दीजिए कि दोनों में हम कौन सी खरीदें और फीचर क्या क्या है, किस में ज़्यादा फीचर है, किस में कम फीचर है और कौन सी स्टाइलिश लुक में है या कौन सी बोल्ड लुक में है, दोनों का आप कंपेरिजन वीडियो बनाइए। साथ में ऑन रोड प्राइस और एवरेज माइलेज के बारे में भी पूरी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इन दोनों बाइकों की देने की। दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर आप देख लीजिए, ऑल न्यू 2022 का लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी के लिए दोस्तों हम एक दूसरा कैमरा लेकर आए हैं जिसमें हम फ्रंट भी आ रहे हैं, यानी कि हम सामने से भी आपको बोल के बता रहे हैं, पीछे हम बाइक भी दिखा रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि आपसे हमारा बॉडी लैंग्वेज मैच करे और आप हमारी जो है बॉडी लैंग्वेज को भी समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैंने कोशिश की है एक नई शानदार वीडियो आपको एक अलग टाइप की देने की। तो सुपर स्प्लेंडर में दोस्तों आप देखेंगे तो आपको 3500 का हेलोजन बल्ब और एक नया स्टिकर आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं आप हीरो की सुपर स्प्लेंडर में आपको नया ग्राफिक और नया स्टिकर मिलेगा, कलर आपको रेड मिलेगा, लेकिन जो है फीचर आपको ज़्यादा मिलेंगे। और उसके बाद मडगार्ड आप देखेंगे तो ऑल न्यू रेड कलर में आपको मिलेगा। 8018 का ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक में मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, IBS ब्रेकिंग सिस्टम, ड्रम ब्रेक और वही फीचर सेम टू सेम आपको इस बाइक मिलेगा, लेकिन इसका कलर और उसके कलर में फ़र्क है। आप देख सकते हो उसका डार्क रेड है और इसका आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इसके मडगार्ड में और उसके मडगार्ड में फ़र्क है, आप देख लीजिए। तो मडगार्ड में फ़र्क मिलेगा, सुपर में थोड़ा सा भारी है और पैशन में थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि ये 110 cc की गाड़ी है और सुपर स्प्लेंडर आपकी 125 cc की गाड़ी है। आप देखिए इसमें भी आपको 8018 का ट्यूबलेस टायर और ड्रम ब्रेक आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ, अलॉय व्हील आपको सेम सेम मिलेगा। और उसके बाद पैशन प्रो की टैंक का अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्पोर्ट लुक आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप स्पोर्ट लुक में आपको मिलेगा। और वही अगर आप सुपर स्प्लेंडर पर नज़र डालेंगे तो आपको एक सिंपल लुक मिलेगा, जबकि 12 लीटर की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है और इस बाइक में भी आपको सेम मिल जाता है। अब देखिए इस बाइक में आपको इंजन मिलता है 110 cc का सिंगल सिलेंडर OAC एयरकूल, 7500 RPM पावर है और 4 गियर आपको इस बाइक मिलता है, 4 गियर आपके पीछे ही लगने वाले हैं। FI प्रोग्रामेड है, I3 सिस्टम है, फाइबर का चेन कवर है, ठीक है, 5 बार एडजस्ट करने वाला आपको सस्पेंशन भी इस बाइक में मिलता है, जबकि सेम टू सेम 125 cc का इंजन इसमें आपको मिलेगा। इंजन थोड़ा भारी है, पावर है और सेम टू सेम आपको 5 बार एडजस्ट करने वाला सस्पेंशन, फाइबर का चेन कवर, फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट, ये सेम फीचर है। और साइड स्टैंड का यहाँ पर एक चीज़ है कि सुपर स्प्लेंडर में एक बहुत ही अच्छा अपडेट है कि अगर साइड स्टैंड का सेंसर लगा रहेगा और बाइक गियर में होगी तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ये सबसे बेहतरीन फीचर है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसका 125 cc का इंजन है तो थोड़ा पावरफुल इंजन है, 5 गियर आपको इसमें मिलता है और पैशन प्रो में आपको 4 गियर मिलता है। पैशन प्रो का एवरेज जो है वो 65 का है और सुपर स्प्लेंडर का है 55 का, तो एवरेज का भी थोड़ा बहुत फ़र्क आपको मिलेगा। और बाकी अब चलिए हम यहाँ पर कंसोल की बात कर लेते हैं। तो आप सुपर पैशन प्रो का कंसोल कुछ इस तरीके से देखिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सेमी कंसोल है, यानी कि डिजिटल और एनालॉग आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है। और वही सुपर स्प्लेंडर का अगर आप देखेंगे तो सेमी कंसोल यानी कि डिजिटल एनालॉग दोनों आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें एक फ़ीचर ज़्यादा है जिसमें वो फीचर ये ज़्यादा है कि आपकी बाइक में जैसे कि अगर पेट्रोल ख़त्म होने वाला होगा तो लो फ्यूल वार्निंग का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर ये इंडिकेटर्स है, इंडिकेशन है, ये इसमें आपका पेट्रोल जब कम होगा तो ये बाइक बताएगी कि आपका बाइक का पेट्रोल कम हो रहा है। और बाकी साथ में आपको मोबाइल चार्जिंग इस बाइक में आपको मिलता है और मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम आपकी पैशन प्रो 2022 की ये लेटेस्ट मॉडल है, इसमें भी आपको मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम सेम टू सेम मिलता है सेम फीचर में। ये सबसे अच्छा है कि नया आपको जो है कंसोल मिलता है, बाकी जो है टर्न सिग्नल पासिंग सिस्टम भी आपको पासिंग स्विच मिल जाता है, I3S आपको मिलता है और पैशन प्रो में I3S यहाँ पर मिलता है, सुपर स्प्लेंडर में I3S आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी सेल्फ स्टार्ट के दोनों है और यहाँ पर भी आपको पासिंग सिस्टम मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग सेट और मोड का भी ऑप्शन यहाँ पर बटन दी गई है, आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छा है। और बाकी यहाँ पर एक जोश अगर आप देखेंगे तो साइलेंसर जो है पैशन प्रो का थोड़ा सा स्किनी है और इसका थोड़ा सा वाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा इसका मोटा है। बाकी इसका इंजन अगर आप देखेंगे सुपर स्प्लेंडर का इंजन कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसका सीट जो है दोस्तों आप देखेंगे तो सीट में भी थोड़ा फ़र्क है, पैशन प्रो का थोड़ा सा अप है यहाँ पर आप देखेंगे और इसमें थोड़ा सा सिंपल है, मीडियम है। और इसका ग्रेवरल आप देखेंगे तो ऑल रेड आपको मिलेगा, उसका ऑल ब्लैक आपको मिलेगा। और बाकी जो है इस साइड का जो लोगो है हीरो की ब्रांडिंग और I3S आपको सेम टू सेम दोनों बाइकों में मिलेगा, लेकिन इसका बाइक के कलर में आपको लोगो मिलेगा और इसमें भी आपको बाइक के स्टीकर के कलर पर आपको मिलेगा। अब देखिए सबसे खास बड़ा बदलाव है कि इसका जो टायर है दोस्तों वो
80/18 का, यानी पैशन प्रो का सेम टू सेम आगे पीछे है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर का टायर थोड़ा हैवी है, 90/90/18 का है, तो पैशन प्रो का टायर थोड़ा सा मोटा है। बाकी पीछे का टेल लाइट सुपर स्प्लेंडर में आपको बल्ब वाले मिल जाते हैं और इंडिकेटर भी आपको बल्ब वाले मिलते हैं, और इसमें नंबर प्लेट की अलग से लाइट नहीं दी गई है, लेकिन इस बाइक में आपको टेल लाइट LED वाले दिए गए हैं और नंबर प्लेट की लाइट भी अलग से दी गई है। तो पैशन प्रो में फीचर थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डुअल टोन में आपको बॉडी मिलेगी और ये फुल LED आपको टेल लाइट मिलेगी। तो पैशन प्रो में फीचर ज़्यादा है और सुपर स्प्लेंडर में फीचर थोड़ा मीडियम है, यानी कि टेल लाइट अगर LED वाली हो जाती बस मज़ा आ जाता। बाकी जो है हेडलाइट भी सेम है। इंजन में भाई पैशन प्रो थोड़ा सा कम है, 110 में है, तो एवरेज भी थोड़ा ज़्यादा देगी। बाकी ऑल फीचर सेम टू सेम है दोस्तों। तो इसकी ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो पैशन प्रो 86,000 रुपये में है, 86,000 ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस में बात करें तो 86,000 ऑन रोड प्राइस इसकी है, और सुपर स्प्लेंडर की बात करें तो 90,000 यानी 90,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो दोनों बाइकों में अपने अपने स्थान पर जो है सही है, अपने अपने जगह पर दोस्तों। लेकिन कमेंट में आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों बाइकों में आपको कौन सी पसंद है, कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा। तो इन दोनों बाइकों में मेरे ख्याल से आपके लिए पैशन प्रो ठीक है, अगर 110 सीसी की चाहते हैं और 125 सीसी की चाहते हैं तो सुपर स्प्लेंडर बेस्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आप चाहें वो ख़रीद सकते हैं दोस्तों। और बाकी कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइए कि और कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी जो बाइक लेना चाहते हैं उनको भी अच्छी जानकारी मिल जाए दोस्तों।